तो क्वेश्चन ये था बच्चों, पिछला वीडियो किसी टेक्निकल एरर की वजह से बंद हो गया था, मैं इस वीडियो में इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 31,250 एट 8% पर एनम फॉर 2 इयर्स 9 मंथ्स। तो इसमें टाइम जो है उसको हम 2 प्लस 9 बाई 12 करेंगे, यानी कि 3 बाई 4 हो गया ये, तो 2 एंड 2 होल 3 बाई 4 इयर्स टोटल हमारा टाइम इन इयर्स आ गया। अब मैंने कहा था कि इसके दो तरीके हैं। पहला ये तरीका कि 2 इयर्स पर हम लोग कंपाउंड अमाउंट पहले फाइंड कर लेते हैं और तब उस कंपाउंड अमाउंट को प्रिंसिपल लेते हुए 3 बाई 4 इयर्स के लिए सेम रेट पर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। दैट सिंपल इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रीवियस अमाउंट एंड द होल अमाउंट बिकम्स द कंपाउंड अमाउंट फॉर द गिवेन ड्यूरेशन। तो इसमें क्या होता है, दो बार कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो मैंने कहा था कि मैं एक सेकेंड तरीका है जिसको प्रीफर करता हूं, और वो ये है कि डायरेक्ट फॉर्मूले से कैसे होगा। सो देखिए, सी ए इज इक्वल टू आपका जो प्रिंसिपल है वह 31,250 इंटू 1 प्लस रेट क्या है 8 बाई 100 रेज टू दी पावर। मैंने कहा जो पूरा कंप्लीट ईयर है उसको आप एज अ पावर लिख दीजिए, रेज टू दी पावर 2, और तब इसी में इंटू 1 प्लस आर जो है अपना 8 है। इस बार यहां पर वह काम करने की जरूरत है, यहां पर क्या काम करने की जरूरत है कि उस 8 को ये जो ईयर है 3 बाई 4 उससे मल्टीप्लाई किया एंड देन नीचे 100 डाला एंड रेस टू दी पावर, क्योंकि यह पूरा साल पूरा तो हुआ नहीं है इसीलिए इसे 1 ही लिया जाएगा, पावर ये 1 लिया जाएगा क्योंकि हमने उस रेट को ही रिड्यूस कर दिया है 9 मंथ्स के लिए, रेट को रिड्यूस कर दिया है। सो टाइम के लिए इस जगह पर पूरा 1 ही हो जाएगा। अब इसे हम कैलकुलेट करें तो 31,250 और ये हो गया 108/100 इंटू, चलिए इसको कर लेते हैं कैलकुलेट, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस 8 3 जा 24 बाय ये 4 के साथ में 100 आ जाएगा, सो 400। अब इसे भी कैंसल आउट कर लीजिए, ये आपको 8 से कैंसल हो जाएगा, 8 3 जा और 8 5 जा 40 0 सो 50, यानी कि इसे भी कर लीजिए कैलकुलेट, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर 27 और नीचे 25। अच्छा ये स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है, यानी कि 31,250 इंटू 27/25 इंटू 27/25 इंटू ये हो जाएगा 53/50। अभी इससे जो कैलकुलेट होगा वह आपका कंप्लीट कंपाउंड अमाउंट कैलकुलेट होगा। तो चलिए इसको कैंसल आउट करते हैं, तो ये 0 से 0 कैंसल हो गया, 5 से इसको कैंसिल करेंगे ये 625 हुआ, और 25 20 into 25 625 होता है, सो इस दोनों को काट के इसको भी काट दीजिए। अब 27 into 27 729 and into 53 इसको कैलकुलेट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए कि क्या आता है। दैट मच अमाउंट इज आवर कंपाउंड अमाउंट, जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो 38,367 637 ये हमारा कंपाउंड अमाउंट हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अब उसमें से हम माइनस कर लेंगे 38,637 माइनस 31,250 माइनस करिए क्या आ गया 7 माइनस 0 7 आ गया
अब ये 13 माइनस 5 8 आ गया, अब ये 5 माइनस 2 तो 3 आ गया, और ये 7 माइनस 1 6 आ गया, आगे तो 3 माइनस 3 0 ही आ जाएगा, तो दैट मच रुपीज 6 3 8 7 7 3 8 7 इज द कंपाउंड अमाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 12% पर एनम, फॉर 3 years एट 12% पर एनम इज पर एनम इज रुपीज 6750 रुपीज 6750 ये उसका सिंपल इंटरेस्ट आता है। तो व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर सेम पीरियड एंड एट सेम रेट, क्या होगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहां देखिए, ये एसआई दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो क्या हम प्रिंसिपल नहीं कैलकुलेट कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू एसआई इंटू 100 बाई आर इंटू टी, यहां लगा दीजिए 6750 इंटू 100 बाई 3 बाई 8 कितना है परसेंटेज 12 है, 12 इंटू टाइम हो गया 3। चलिए कैंसिल करिए, तो ये आपका 3 से कैंसिल कर लीजिए, तो 3 से इसको हम कैंसिल करते हैं, तो 3 2 ज्यादा कम है, मैं इसको फिर से लिख रहा हूं 6 क्या था हमारा 6750 इंटू 100 और बाई 12 इंटू 3। चलिए कैंसिल करते हैं, तो पहले हम लोग 4 से कैंसिल 3 से कैंसिल कर ले इसको, 3 2 जा 6 फिर 3 2 जा 6 और 3 5 जा और ये आ गया 0। अगेन यहां आप देख सकते हैं ये 6 से जाएगा, तो ये 3 से भी जा रहा है 2 से भी जा रहा है, तो 6 से कट सकता है, तो 6 2 जा और इससे 6 से 6 3 जा 18 4 आ गया, तो 6 7 जा 42 और 3 आ गया, तो 3 और 0 30, तो 6 5 जा। अब ये 2 से इसको हम 50 टाइम्स कट कर देंगे, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 5 जा 25 फिर 5 7 जा 18750। ये जो 18750 आया यह प्रिंसिपल आ गया। अब इस प्रिंसिपल पर आपको कंपाउंड अमाउंट निकालकर और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर देना है, तो कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल की जगह 18750 इंटू 1 प्लस रेट की जगह 12 बाई 100 ऐसे और रेज टू दी पावर 3। अब ये 4 से कैंसिल हो गया 3 टाइम्स और ये 25 टाइम्स, तो 18750 इंटू 28 बाई 25 इंटू 28 बाई 25 इंटू 28 बाई 25। अब आप कैंसिल आउट कर लीजिए, तो 25 20 इंटू 25 625 और 625 3 जा
1875 होता है तो 3 और एक 0 आ गया उस पे। अब 5 से इसको भी कर दीजिए तो 5 जा और 5 6 जा। अब आपके पास जो है वो है 6 × 28 × 28 × 28 एंड बाय 5 वट एवर इट कम्स दैट वुड बी कंपाउंड अमाउंट, और उस कंपाउंड अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, ये प्रिंसिपल हो जाएगा 18750, उसको माइनस करके जो आप कैलकुलेट करेंगे दैट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। सो आप यहां से अब कर सकते हैं। चलिए और नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ये उसका क्वेश्चन आ गया कि द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years एट 15% पर एनम इज ₹180 टू फाइंड द सम। क्यों? तो क्या फॉर्मूला बताया था? फॉर्मूला बताया था कि डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई इन 2 years इज इक्वल टू पी इंटू आर बाई 100 स्क्वायर, इस तरह। तो उस हिसाब से आप पी इंटू आर की जगह पर क्या लगेंगे, 15, तो 15/100 और ये स्क्वायर इज इक्वल टू जो डिफरेंस दिया हुआ है 180। अब यहां से पी कैलकुलेट कर लीजिए तो पी इंटू 15/100 है तो 5 से कैंसिल होकर के ये 3/20 हो जाएगा, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो इंटू 3/20 इज इक्वल टू 180। अब पी रख लीजिए और बाकी सब उधर ले चलिए, तो 180 एंड इंटू 20 इंटू 20 और नीचे 3 × 3 तो 3×3 = 9 और इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 और 0 = 20। तो अब ये कितना हो गया, ये हो गया 8000, 20 × 20 × 20 8000 इज द प्रिंसिपल। इस तरह हम इसे कैलकुलेट करेंगे जब हमें प्रिंसिपल कैलकुलेट करना होगा, और जब डिफरेंस दिया हुआ है सी आई का और एस आई का और रेट दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन। अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू ₹72,900 इन 2 years एट 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली तो फाइंड द सम, यानी कि ये जो दिया हुआ है 72,900 वह क्या है, दैट इज अमाउंट नॉट प्रिंसिपल। अमाउंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, कंपाउंडेड एनुअली दिया हुआ है, हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो हम बस वही फॉर्मूले पे ही पुट कर देंगे कि P इंटू 1+R/100 raised to the power n इज इक्वल टू CA। CA दिया हुआ है राइट हैंड साइड में, इसलिए हम राइट हैंड साइड में उसको डाल लिया है मैंने। तो P हमें नहीं पता, P को P लिख दीजिए, 1+R कितना 8/100, n कितना 2 years है तो 2 इज इक्वल टू CA कितना 72,900। चलिए कैंसल आउट करते हैं, 4 × 2 = 4 = 25। सो ये हो गया आपका P इज इक्वल टू 72,900 इन टू। अब यहां पर जरा कैलकुलेट कर लीजिए पहले ही, 25 × 125 + 2 = 27। तो 27/25 इधर स्क्वायर है तो उस तरफ जाकर के हो जाएगा 25/27। तो 25/27 का स्क्वायर। अब यहां पर ये क्या हो गया, P इज इक्वल टू, फिर से देखिए, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 72,900 इंटू 25 का स्क्वायर 625, नीचे 27 का स्क्वायर 729, ये कट गया 100 टाइम्स तो कितना हो गया आपका ₹62,500, यानी 62,500।
62,500 इज द आंसर. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ रुपीज 6,250 अमाउंट टू रुपीज 7,840 इन टू ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली. चलिए आ गया जहां मैंने कहा था कि रेट निकालना और टाइम निकालना सिखाऊंगा. यहां पर हमें रेट निकालने के लिए कहा गया है. तो फॉर्मूले पे डाल लीजिए के अमाउंट का फॉर्मूला आपका हो गया P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज पावर N इज इक्वल टू कंपाउंड अमाउंट. तो चलिए जगह कम है इसलिए मैं यहीं पे कंटिन्यू कर रहा हूं. P की जगह पर आप लिखेंगे 6250 इंटू 1 प्लस R हमें नहीं पता है तो R बाई 100 रेज टू दी पावर N. टाइम हमें पता है 2 इयर्स है तो रेज टू दी पावर 2 इज इक्वल टू कंपाउंड अमाउंट हमें पता है 7,840. अब यहां से हम क्या करें, यहां से हम करेंगे कि ये 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू दी पावर 2 इसी तरह रहने देंगे और ये जो इनटू में यहां पर है 6,250 वो उस तरफ चला जाएगा तो बन जाएगा 7840 बाई 6250. तो अब यहां इसको कैंसल कर लीजिए, ये आपका जीरो से जीरो कैंसल हो गया. अब ये जो कैंसल हो गया तो अब आपका इधर से हम देख सकते हैं कि यह 1 प्लस आर बाई 100 स्क्वायर हो गया. यहां पर जो 784 है और ये जो 625 है उसको आप फैक्टोराइज करके पावर नोटेशन में लिख लीजिए. तो जब आप इसको देखते हैं यह स्क्वायर यहां देखिए ये 2 है, ये पावर 2 है, इट मींस कि यहां भी पावर 2 वाला कुछ लिखेंगे. तो पावर 2 वाला क्या मतलब किसका स्क्वायर लेंगे. 784 आपको 28 का स्क्वायर मिलेगा, आप उसको स्क्वायर रूट निकालकर देख लीजिए और 625 तो 25 है ही. अब दैट मच स्क्वायर. अब जब मैंने एक्सपोनेंट बताया था आपको बताया था 6 रेज टू दी पावर एन इज इक्वल टू वाई रेज टू दी पावर एन अगर कहीं है तो इसका मतलब कि पावर और पावर दोनों तरफ सेम हो गया इसलिए बेस और बेस भी आपस में सेम हो जाएगा यानी एक्स इज इक्वल टू वाई. ठीक इसका कन्वर्ज कहीं पर एक्स रेज टू दी पावर एन इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर एम है तो यहां बेस सेम हो गया तो पावर सेम हो जाएगा यानी एन इज इक्वल टू एम हो जाएगा. यही दो चीज हम यूज करेंगे रेट निकालने में और टाइम निकालने में एक्सपोनेंट का कंसेप्ट. तो यहां पर क्या हो गया अब देखिए 1 प्लस आर बाई 100 इज इक्वल टू 28 बाई 25 तो ये R रख ली R बाई 100 रख लीजिए और ये 1 उस तरफ ले जाइए तो 28 बाई 25 माइनस 1 जो कैलकुलेट करेंगे आप तो हो जाएगा आपका 3 बाई 25. सो अब R इज इक्वल टू 3 बाई 25 और नीचे 100 है तो इंटू 100 कैंसल कर लीजिए या 4 टाइम कैंसल हो गया. सो 12% पर एनम 12% पर एनम इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस केस. एक बार गौर से फिर से देख लीजिए फॉर्मूला लगाकर एवरीथिंग पुट कर देना है. बस इतना कंसेप्ट समझिए कि हम अगर रेट निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला लगाइए कंपाउंड अमाउंट का और उसमें पुट कर दीजिए आपके पास सब कुछ होगा एक्सेप्ट रेट. तो रेट की जगह पर आर यूज करते जाएंगे दोनों तरफ हम पावर सेम बनाएंगे. जब पावर सेम बन जाएगा तो वी कैन से दैट कि बेसेस आर आल्सो सेम. सो बेस सेम हो जाएंगे और तब हम वहां से आर कैलकुलेट कर लेंगे. इसका ठीक कन्वर्ज करेंगे हम जब हम टाइम कैलकुलेट करेंगे. तो चलिए देखते हैं टाइम कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन. क्वेश्चन कहता है कि इन व्हाट टाइम विल रुपीज 1000 अमाउंट टू रुपीज
1331 एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, यानी एनुअली कंपाउंड कंपाउंडेड होने पर 1,331 कितने टाइम में हो जाएगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो। तो फॉर्मूले से फिर से देखिए यहां कि P इंटू 1+R/100 रेज पावर N इज इक्वल टू सी ए, तो डालिए वैल्यू, आपका प्रिंसिपल मालूम है 1,001+ रेट मालूम है तो 10/100 एंड रेस टू दी पावर एन, यानी वही एन हमें नहीं मालूम तो रेस टू दी पावर एन लिख देंगे और इज इक्वल टू सी ए यानी 1331। अब चलिए ये क्या हो गया 1+R/100 रेस पावर एन इज इक्वल टू 1331/1000। अब यहां 1+R/100 रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू आर की जगह पर ये आर को हम कैलकुलेट कर लेंगे ना, ये आर को कैलकुलेट हो जाएगा हमारे हमारा यानी कि 110/100 हो जाएगा। तो 110/100 जो है वह क्या हो गया 11/10 रेज टू द पावर एन। इस तरफ देखिए ये 1331 11 का क्यूब है और 1000 10 का क्यूब है तो 11/10 रेज टू द पावर 3। अब देखिए दोनों तरफ बेस सेम है, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर पावर सेम तो बेस को सेम लिख देंगे और अगर बेस सेम तो पावर को सेम लिख देंगे। तो यहां बेस सेम हो चुका है सो पावर एन इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो देयरफॉर एन इज इक्वल टू 3 इयर्स, ये 3 इयर्स हमारा आंसर हो गया। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वॉज 1,76,400 इन ईयर 2012। इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। What would be the population in year 2014 and what was the population in year 2010? ध्यान दीजिए इस एक ही क्वेश्चन में आपको दो बार कैलकुलेशन करना है, एक में पॉपुलेशन निकालना है 2014 का और दूसरे में पॉपुलेशन निकालना है 2010 का। अब हम पहले वाले को देखें अगर तो टाइम कितना हो गया, इसमें टाइम हो गया 2014 माइनस 2012 यानी कि 2 इयर्स। रेट आपको पता ही है, रेट आपका 5% है ही, आर इज इक्वल टू 5%। अब जरा यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो नंबर है 1,76,400 वो यहां क्या चीज गिवन है, यानी किस तरह वो एक्ट कर रहा है और जो हमें फाइंड करना है वो क्या चीज है। तो ध्यान रखिए हमेशा नंबर प्रीवियसली यानी जो प्रीवियस टाइम में जो भी नंबर होता है वह एज अ प्रिंसिपल लिया जाता है और जो बाद का टाइम होता है उसको अमाउंट लिया जाता है। तो अमाउंट जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपको कैलकुलेट करना है इसमें, क्योंकि यह 2012 का पॉपुलेशन है तो 2012 का पॉपुलेशन ये है और 2014 का पॉपुलेशन हमको फाइंड करना है। इट मींस कि प्रिंसिपल गिवन है और अमाउंट फाइंड करना है। तो यहां पर अमाउंट का फॉर्मूला लगा दीजिए, सी ए इज इक्वल टू, सीधा मैं नंबर डाल रहा हूं 1,76,400 इंटू 1+ रेट की जगह 5 और बाय 100 एंड रेज टू द पावर 2। अब आप जो इसको कैलकुलेट करेंगे, मैं सिर्फ ये डिस्कस कर देता हूं, आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा पॉपुलेशन
ये वाला आपका आ जाएगा मतलब कि पॉपुलेशन इन ईयर 2014 में ये पॉपुलेशन आ जाएगा जो कुछ भी यहां पर कैलकुलेट होकर आएगा। दूसरे वाले को देखिए बी में, मैंने पहले ही कहा है कि पहले टाइम पर जो रकम होता है यानी जो अमाउंट पहले टाइम में दिखाया जा रहा है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल और बाद वाले टाइम का दैट इज कॉल्ड अमाउंट। तो अब हमें 2010 का निकालना है तो जाहिर है कि 2010 में पॉपुलेशन कम होगा और 2012 में ये बढ़कर उतना हुआ है। सो 2012 वाला जो पॉपुलेशन है उसको हम एज अ अमाउंट ट्रीट करेंगे और हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे टू इयर्स पहले का। तो यहां पर फॉर्मूला फिर से आपको लगा देंगे कि सी ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+R/100 और टाइम इसमें भी टू इयर्स ही होगा क्योंकि 2010 और 2012 का जो ड्यूरेशन है वो टू इयर्स है। तो यहां पे टू डाल दीजिए रेट की जगह पर आप ये पहले एन डालिए, एक सेकेंड एन डालिए, ये रेट हो गया R/100। अब इसमें हम करना क्या होगा हमको, तो सी ए की जगह हम ये वाला डालेंगे 176400 जो सी ए है 176400 इज इक्वल टू, मैंने कहा प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है तो पी इंटू 1+5/100 रेस टू द पावर 2, इसको कैंसल आउट कर लीजिए और ये 21/20 का स्क्वायर। अब ये चीज उधर जाएगा तो ऊपर 20×20 यानी 400 और नीचे 21×21 यानी कि 441। अब उससे हम इसको कैंसल आउट कर देंगे और जो कुछ भी आएगा वह हमारा प्रिंसिपल होगा मतलब कि पॉपुलेशन इन ईयर 2010 आ जाएगा। बोर्ड पर जगह की भी कमी है इसलिए मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूं, इसको खुद से आप लोग कैलकुलेट करिए क्योंकि तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आप लोग प्रैक्टिस खूब कीजिए, मैं क्वेश्चंस डालूंगा इन छुट्टियों में तो आप उन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।